तो सबसे पहले बात करते हैं कराची के बारे में। तो कराची अपनी जीडीपी और आबादी के लिहाज से पूरे पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा और अमीर शहर है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 3,780 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अरेबियन सी में लगभग 100 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है। तथा वर्तमान समय में देखा जाए तो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के मामले में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान के कुछ सबसे बड़े और मेजर सी पोर्ट्स मौजूद हैं। वहीं कराची शहर के नज़दीक बहरिया टाउन जैसे कुछ बड़े और मॉडर्न टाउनशिप एरियाज को बसाया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में कराची को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर हम कराची के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर कराची शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50,00,000 लोगों की है। वहीं कराची शहर की करंट लिटरेसी रेट 81.52% की है, और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 96.4% मुस्लिम, 2.4% क्रिश्चियन, 0.86% हिंदू और थोड़े बहुत यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। और आइए अब बात करते हैं कराची के जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। तथा कराची की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि जीडीपी ट्रिपल पी लगभग 210 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 25% का योगदान देता है। कराची का इतिहास। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1729 में कराची शहर को एक किले नुमा गाँव के तौर पर कुछ बलोच लोगों ने बसाया था, और उस टाइम इसे नाम दिया गया था गलोची, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कराची पड़ गई, जिसके बाद में इस शहर पर सदियों तक ब्रिटिश सरकारों ने अपने अपने तरीके से शासन किया। और आइए अब बात करते हैं मुंबई सिटी के बारे में। तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय शहर है। मुंबई भारत का एक पोर्ट सिटी भी है, जो लगभग 603 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम्स या फिर माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पूरी दुनिया से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं। ये शहर भी अरेबियन सी से लगभग 150 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन साझा करती है। तथा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति से परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कई स्काई स्क्रेपर्स और यहाँ के रोड नेटवर्क को काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है। वहीं मुंबई शहर में 46.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन और वर्ल्ड क्लास की मोनो रेल जैसी यातायात सुविधाएं काफ़ी पहले से मौजूद हैं। तथा इस शहर में मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर भी बहुत ही तेज गति से काम किया जा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में मुंबई शहर की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगी। अगर हम मुंबई शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के आधार पर इस शहर की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। वहीं मुंबई शहर की करंट लिटरेसी रेट 89.73% की है, और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 3.27% क्रिश्चियन, 4.85% जैन, 4.85% बुद्धिस्ट और बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब माना जाता है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री, बैंकिंग, आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। तथा मुंबई शहर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 606 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 6.16% का योगदान देता है। वहीं दोस्तों आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मुंबई की एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी 277 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का 75% है। मुंबई का इतिहास।
अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में राजा भीम देव ने इस शहर की स्थापना की थी। फिर 1661 में ये पूरा शहर ब्रिटिश के शाही परिवार के अधीन हो गया। तथा इस शहर की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पहले ये पूरा शहर 7 आइलैंड्स में बटा हुआ था, फिर इन्हीं 7 आइलैंड्स को 1826 में जोड़कर आज के इस नए मुंबई शहर का निर्माण हुआ। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आप इनमें से किस शहर को कितनी रेटिंग देना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।